हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक दल लगातार इस कोशिश में हैं कि इस उपचुनाव के अंदर काम किया जाए, उम्मीदवारों की जीत उनको दिलाई जा सके। दिन रात चुनाव प्रचार में इसी को लेकर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में विधायक कुलदीप बिश्नोई और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने गांव मुंडलाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक बिश्नोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ये पार्टी बिना काम किए वोट लेना चाहती है और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किए। मौजूदा सरकार को किसान और मजदूर विरोधी सरकार बताते हुए उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। आत्मा से देखना कि सरकार ने क्या किया हमारे साथ, क्या वो फार्म बिल में किसानों की गर्दन काटने की बात हो, क्या बेरोजगारी बढ़ाने की बात हो, चाहे देश में क्राइम बढ़ाने की बात हो, या प्रदेश में क्राइम बढ़ाने की बात हो, या पानी की दिक्कत हो, हर प्रकार की दिक्कतें ध्यान में रखकर वोट कैसे मांगते हैं, क्योंकि सरकार आपके काम नहीं कर रही है।